हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। कल का व्लॉग यहीं पे फिनिश किया था, हम लोग फतेहपुर जा रहे थे तो ये व्लॉग वहीं से मैंने कंटिन्यू किया है। एंजॉय करिए इस व्लॉग को, बहुत बढ़िया व्लॉग है। तो ठीक आधे घंटे हो गए हैं, 11:30 बज गया है और पहला टोल प्लाजा आ गया है। देखिए यहाँ पे, हाँ टोल प्लाजा आ गया है। धूप एकदम खिली हुई धूप निकली हुई है। पीहू को प्यास लग गई, पी लीजिए पीहू। सो गाइस, 1 घंटा हो गया है हमको चले, पूरा मतलब 12 बज रहे हैं और अभी हम लोगों ने 90 किलोमीटर जो है वो कवर कर लिया है। बराबर कंटिन्यू हम लोग चल रहे हैं, बस बीच में 5 मिनट का वो जो आया था ना टोल। यहाँ पे रोड देखिए ऐसी बढ़िया सी है, एक्सप्रेस हाईवे चलती जा रही है हमारी गाड़ी। 2 किलोमीटर आगे फिर से आने वाला है टोल प्लाजा। आधे घंटे के डिस्टेंस में आपको एक टोल मिलेगा। अभी तक जितना दूसरा टोल है, नहीं हम लोगों का एक पहले पड़ा था आधे घंटे में, फिर आधे घंटे 12 बजे फिर एक ये टोल आ गया। यहाँ पे आ गया है 3रा नंबर का टोल, जो कि अभी टाइम हो रहा है हाँ 12:50, मतलब 12:50 पे ये 3रा टोल आ गया है। चलो चल रहा है, ये भी चल रहा है, हम लोग इस लाइन पे जा रहे हैं। हाँ तो यहाँ पे आगरा जो है बस आ ही गया है, ये देखिए हो गया यहाँ पे। धन्यवाद, थैंक यू। चलो भाई आगे बढ़ो, पुलिस ले जा रही है, पुलिस किसी को ले जा रही है। हाँ अभी बताओ जरा उसमें देख के क्या, एक बचने वाला है। यहाँ से ये ताजमहल भी दिखा रहा है, देखो सीधे होगा एकदम। और कानपुर के लिए यहाँ पे देखिए दूसरा एरो दिखा रहा है लेफ्ट पे। लखनऊ उधर है, कानपुर इधर लेफ्ट। तो हम आ गए हैं अब कानपुर के पथ पर। आगरा वालों, यहाँ पे क्यों रख दिया? तो अभी यहाँ पे आ गया है 4th नंबर का टोल। बहुत जल्दी जल्दी टोल आ रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब गर्मी यहाँ बहुत तेजी से लग रही है, अभी बढ़ गई है गर्मी। तो वर्मा जी ने उतार दिया है अपना जैकेट। टोटल कितने टोल गेट्स आते हैं यहाँ पे ना, कानपुर मतलब फतेहपुर तक पूरे। तो ये 5वां नंबर का टोल गेट है। इसके पहले अभी हमारा ये फास्ट टैग नहीं चला था, उसने 40 रुपीज लिए थे टोल के, 40 रुपीज के। फोन गिर गया था। कैसा लग रहा है वर्मा जी? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बस अब पहुंचने वाले हैं। पहुंचने तो खैर अभी नहीं वाले हैं, अभी तो दोपहर के 2 बज रहे हैं। शाम को पहुंच, शाम तक तो पहुंच ही जाएंगे हम लोग। गर्मी लग रही है मुझे तो, मैंने एक इनर पहना है, एक स्वेटर पहना है, एक स्वेटशर्ट पहना है। मुझे भी, पीयू को भी गर्मी लग रही है, डैडी जी ने तो जैकेट उतार दी है। चलो देखो यहाँ पे टोल कितना लगता है।
फास्ट टैग में कितना लगा पता नहीं चलता ना, मैसेज आता है ना। अच्छा है पियू बेटा, नीचे खाने का पैकेट रखा है मुझे पकड़ाना, गाड़ी में ही खा लिया जाएगा। आप उठो, खड़ी हो बताऊं मैं, उधर बैठो। और देखो ये जो आपका बैग है ना, इसके पीछे एक खाने का बैग है, पीछे बड़े वाले अटैची के पीछे व्हाइट कलर का बैग है ना, वो दीजिए मुझे। तो मैं डैडी और पीहू को रोल बना के दूंगी। सो गाइज वी हैव फिनिश्ड विद अवर लंच, और गाड़ी में बैठे बैठे खा लिया, टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं था। अभी कहीं पे अगर कुछ ऐसा दिखेगा ना वो रेस्टोरेंट टाइप का, तो चाय कॉफ़ी कुछ लेंगे, हाथ पैर मुँह धो लेंगे, मतलब उतरेंगे थोड़ा गाड़ी से, लेकिन अभी चल रहे हैं बराबर। ऊपर से दिख रहा था, अब नीचे आ गए ना। फूड किंग प्लाजा। अच्छा कॉफी पीने आए? हाँ कॉफी पीने आए। अच्छा गाना क्यों बंद कर? डोंट बी पैनिक बेटा, आ बेटा बाहर आओ। कोई बात नहीं आइए। स्विच चालू हो गया आपका ऑफिस? थैंक यू। हाँ बेटा, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए। पीहू के डैडी नीचे ही हैं, तो मैं चाय पी रही हूँ, मेरी पीहू बैठी हुई है। तो हम लोगों ने चाय पी ली है, वापस चलते हैं अपनी गाड़ी के पास। वर्मा जी तो आए नहीं, पीहू डैडी तो आए नहीं बेटा। काम करने लगे डैडी। चक तो यहाँ पे थोड़े से स्नैक्स मतलब वेफर्स लिए हम लोगों ने। वर्मा जी आ गए थे, चाय पी लिए? पीऊ कम, धूप तो बहुत देर से हम लोग ले रहे हैं। तीन बज चुके हैं, एक घंटा लग गया, अब निकल रहे हैं। जो मैंने किया वो पसंद आया क्या? आ गए हैं हम लोग यहाँ पे गाड़ी में तेल डलवाने के लिए। हमें यहाँ से जा रहे हैं। ये अच्छा लगा? अच्छा लगा बेटा। आते थे, मुझे याद है। चलो भाई, मैंने ये कहा था तुमसे। क्या? अब हम यहाँ से निकल रहे हैं कानपुर के लिए। हाँ। तो गाइज अभी एक्सप्रेस हाईवे जो था वो अभी खत्म हो गया है, अभी नॉर्मल रोड चल रही है, तो गाड़ी हमारी थोड़ी स्लो हो गई है। इसके बाद आ जाएगा NH2। तो अभी टाइम है, कितना किलोमीटर बाकी है? 3.5 बाकी है, तब गाड़ी चलेगी। अभी तो बस 50-60 पे ही चल पा रही है गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्राउडेड एरिया भी है। अभी हमें यहाँ से मुड़ना होगा लेफ्ट, लेफ्ट हैंड। क्या यहाँ से NH2 स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, अभी नहीं। कहाँ पे फॉर? पर ये हाईवे ही है, है ना? अब यहाँ से हाईवे यही तो स्टार्ट होगा।
ये 10-11 किलोमीटर कुछ था जो शहर के बीच से निकले हम। तो अभी बज रहा है 4:16 और अभी ये NH-19 पे हम चल रहे हैं और यहाँ से 145 किलोमीटर अभी भी बाकी है। हाँ चला रहेगा ना, तो 145 किलोमीटर अभी भी बाकी है जिसका 2:24 दिखा रहा है रास्ता। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। पीयू कह रही है गाने चला दो। इलाहाबाद, कानपुर, बनारस। तो यहाँ पे आ गया है फिर से टोल प्लाजा। ये है 6 का टोल प्लाजा, ये देखिए। क्या परेशानी हो रही है आपको? ये देखिए गेट खुल गया है, फास्ट टैग काम कर गया है। तो पीहू ने कहा गाना चला दो। टोल गेट है बेटा। हाँ तो ये 7 टोल आ गया है भाई। ये देखो 5:30 बज रहे हैं और यहाँ पे फास्ट टैग ग्रीन। चल भाई। तो गाइस फ्रॉड के बहुत आ रहे हैं। 5:30 बज चुके हैं। पीयू चिप्स खाओगे बेटा? चलो निकालो, वही उधर ही पड़ा हुआ है, चिप्स का पैकेट निकालो खाया जाए। तो गाइज यहाँ पे शाम हो चुकी है और कानपुर का ये फ्लाईओवर है जहाँ पे अभी हम लोग चल रहे हैं। अभी टोटल कितना किलोमीटर बाकी है? अभी कितना किलोमीटर दिखा रहा है उसमें? 82 किलोमीटर अभी भी बाकी है। मतलब कानपुर से अब हम फतेहपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। सो पीयू एक्साइटेड? 80 किलोमीटर नाउ। 80 किलोमीटर ओके। तो अब आप थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे होंगे। करेक्ट। ससुराल की तरफ बस अब आप पैर रखने ही वाले हैं। बताओ आपको कैसा लग रहा है? हमें तो बढ़िया लग रहा है, आप बताइए। आगे भी डाइवर्जेंस है क्या? आगे डाइवर्जेंस तो नहीं है, बस पीछे ही थे। तो एक और अगेन टोल आ गया है और ये शायद 7 का टोल था, भूल गई मैं। आपको आगे के ब्लॉग से पता चल जाएगा ये 7 था कि 6। अच्छा 7 ही था शायद। और यहाँ से अभी कितने किलोमीटर है? 23। तो अभी यहाँ से 23 किलोमीटर बाकी है। बाहर का रोड इस तरह से हो गई है, रोड पूरी धुआं धुंध, थोड़ा सा अंधेरा ऐसा करके है। और ये जो टोल निकला है वो आप देख लीजिएगा, शायद पिछली बार जो था वो 6 का था, ये 7th है। तो अभी मलवा आ गया है, अभी आएगा मलवे के पेड़े। कहाँ है मलवा का पेड़ा? इधर कहीं है, राइट हैंड पे। बस 10 मिनट का रास्ता होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक है। फतेहपुर में आप सभी का चलो स्वागत है, नगर पालिका परिषद। चलो 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 बड़े चलो। तो बस भाइयों शुरू हो गया यहाँ से अपना फतेहपुर। ये है आबू नगर। आबू नगर पुलिस चौकी। यहाँ बहुत साइकिल चलाई है हमने इन्हीं रोडों पे। गाइस पहुंच गए हैं हम लोग फतेहपुर। पीहू आर यू एक्साइटेड? चलो भाई चलो, पहुंचने वाले हैं हम लोग बस 5 में। वाह बढ़िया बन गया।